महोदय, वर्तमान समय में भारतीय समाज का पूरी तरह से राजनीतिकरण हो चुका है। आधुनिक भारत में राजनीति की जड़ें सभी धर्मों व जातियों में बहुत अच्छी तरह जम चुकी हैं। पिछले 2-3 दशकों में शहरों के साथ साथ गांवों में भी राजनीतिक चेतना उत्पन्न हो चुकी है। भारतवर्ष की सभी राजनीतिक पार्टियों ने जनमानस में अपना आधार बनाने व मजबूत करने के लिए संस्थाएं व समितियां बनाई हैं। अपने अपने दलों की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए सभी पार्टियां प्रयासरत हैं। चुनावी दिनों में इन संस्थाओं पर बहुत कुछ छोड़ दिया जाता है और निसंदेह जीत भी उसी दल की होती है जिस दल के छोटे स्तर के कार्यकर्ता अधिक निष्ठा व अनुशासन से कार्य करते हैं। विभिन्न दलों के राजनीतिक नेताओं में जब विचारों की रस्साकसी होती है तो छोटे स्तर की पार्टियों के बीच भी तनाव देखने को मिलता है। जमीन से जुड़े कार्यकर्ता अपनी पार्टी के प्रति सचेत व गंभीर रहते हैं तथा यह तनाव की स्थिति कभी कभी हिंसा का रूप भी धारण कर लेती है और इस तरह के हिंसक उदाहरण हमें देखने को भी मिले हैं। लगभग हर समय अपनी पार्टी की अच्छाइयों की घोषणा व उसके परिणामों का जिक्र करते रहते हैं जिससे कि उनकी पार्टी को आधार मिल सके। जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं की वास्तविक सक्रियता हमें पंचायतों व नगर पालिका के चुनावों में देखने को मिलती है। जमीनी कार्यकर्ता अपनी पार्टी का अपने अपने क्षेत्र में वर्चस्व रखने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। कार्यकर्ता एक बार पार्टी में सम्मिलित होने के पश्चात पार्टी की हार को अपनी हार मानते हैं। दूसरे शब्दों में इसे सम्मान का प्रश्न भी कहा जाता है। जमीनी कार्यकर्ता चुनावी दिनों में अपने आधार पर वोटों की खरीद फरोख्त व जोड़ तोड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सभी क्षेत्रों में संस्थाओं व कार्यालयों के होने के कारण क्षेत्र विभिन्न पार्टियों में बंटे दिखाई देते हैं। जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं का नेता जिस कुर्सी पर बैठता है वह उनकी लगन व परिश्रम का परिणाम होता है। वह जमीनी कार्यकर्ता अपने नेता को कुर्सी पर बैठा देखकर अपना परिश्रम सफल समझते हैं, किंतु कुछ समय से ये कार्यकर्ता अपने आप को कुछ उलझन में अनुभव कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि पार्टी के उच्च स्तर के नेताओं द्वारा किसी पार्टी से चुनाव समझौता कर लेना। एक माननीय सदस्य ने शिक्षा के बारे में कुछ कहा है। उनका विचार है कि सरकार शिक्षा को एक प्रमुख विषय नहीं मानती। यद्यपि प्रमुख शब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थ में किया जाता है।